सरसों दा साग, मक्के दी रोटी। ढाबे का मेन्यू पढ़ रहे हो? नहीं, गाना गा रहा हूँ। ये हिंदी फिल्म का गाना है, मगर बाद में पता चला कि खेत तो स्विट्जरलैंड में है। तो होगा, सरसों तो दुनिया के कई हिस्सों में पाया भी जाता है और खाया भी जाता है, जैसे कि चाइना, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड में मस्टर्ड यानी सरसों के 40 से ज्यादा स्पीसीज हैं। दिखते तो सारे एक जैसे हैं। तुम सिर्फ इंडिया के मैदानी इलाकों में और फिल्मों में देखते हो, इसलिए। दुनिया में सबसे पहले सरसों उगाया किसने था? सरसों को 3000 BC में इंडिया में उगाया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी सरसों उगाते थे। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने से सरसों का साग खा रहे हैं। इंडिया का पता नहीं, मगर रोमन्स और यूरोपियंस सरसों से बनी चीजें खाते रहे हैं। यूरोपियंस ने ग्रेप के जूस में सरसों के बीज को पीस कर मिलाया। ग्रेप जूस को उन दिनों लैटिन भाषा में मस्टम भी कहा जाता था, जिसका मतलब था यंग वाइन। फ्रेंच लैंग्वेज में इसे मस्ट कहते थे। सरसों के बीज मिलाने के बाद इसमें बर्निंग सेंसेशन आ जाती थी, और शायद इस वजह से सरसों का फ्रेंच नाम मोस्टार्ड यानी मस्ट में तीखापन लाने वाला पड़ गया। 13th century में जब इसे अंग्रेजी भाषा में शामिल किया गया, तब इसे मस्टर्ड का नाम मिला। रोमन्स के पास मस्टर्ड इंडिया से आया था, जिसका इस्तेमाल वो अचार के मसाले बनाने में और वाइन बनाने में करते थे। इंडियन मस्टर्ड को यूरोप का रास्ता भी रोमन्स ने दिखाया था, और इसके बाद यूरोप से ये मस्टर्ड सारे वर्ल्ड में फैल गया। तो क्या रोमन्स और यूरोपियंस आम का अचार बनाते थे? रोमन अचार तो बनाते थे, मगर किसका ये पता नहीं। अचार का मसाला और मस्टर्ड साउथ इंडिया से जाते थे। एम्परर नीरो ने रोम को रीबिल्ड किया था, तब उन्होंने इंडिया से मस्टर्ड और दूसरे मसालों का इम्पोर्ट बैन कर दिया था। उस समय रोमन लोग साल में सरकार को जितना टैक्स नहीं देते, उससे ज्यादा के मसाले खा जाते थे। सरसों के बीज के जरिए बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताई गई हैं। लॉर्ड गौतम बुद्धा के जातक टेल्स में भी सरसों का उल्लेख मिलता है। एक स्टोरी में उन्होंने अपने भक्त से उस घर से सरसों का बीज लाने के लिए कहा था जहां किसी की मौत नहीं हुई हो। भक्त गांव के सारे घरों में गया। सरसों का बीज हर घर में था, मगर कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां किसी की मौत नहीं हुई हो। कहानी का संदेश ये था कि मृत्यु और दुखों से दुनिया में कोई नहीं बच सकता, और इस संदेश को हर किसी से जोड़ने के लिए उन्होंने सरसों के बीज का सहारा लिया। 3rd century BC में पंडित विष्णु शर्मा ने अपनी किताब पंचतंत्र में एक कहानी लिखी थी, जिसमें उल्लेख मिलता है कि सरसों और गुड़ की मदद से सांप का जहर भी उतारा जा सकता है। गौतम बुद्ध ने एक और कहानी में सरसों के बीज के जरिए यूनिवर्स की उम्र के बारे में भी बताया है। उस दौर में सरसों इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में विकसित हुआ और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तक पहुंच गया। वैसे सारे वर्ल्ड को मस्टर्ड के लिए फ्रेंच लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहिए। वो क्यों? वो मस्टर्ड को एंशिएंट टाइम्स में बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली के इलाकों में बसे गॉल में ले गए। देखते ही देखते जर्मनी और ब्रिटेन में भी लोगों को सरसों का स्वाद पसंद आने लगा। 13th century में फ्रांस का डीजों मस्टर्ड का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया, और 14th century से 18th century के बीच यहाँ से सारे फ्रांस, यूरोप और रशिया में मस्टर्ड की सप्लाई होने लगी। इस मस्टर्ड को डीजों मस्टर्ड कहा जाता था। 1777 में फ्रांस के मॉरिस ग्रे ने ऑटोमेटिक मस्टर्ड मेकिंग मशीन इन्वेंट की, जिसके बाद इस मशीन से निकलने वाली मस्टर्ड को व्हाइट वाइन में मिलाकर बेचा जाने लगा। ऑटोमेटिक मस्टर्ड मेकिंग मशीन, अब ये क्या है? सरसों के पेड़ में सीड्स पाए जाते हैं। सीड से सरसों का तेल निकलता है। ऑटोमेटिक मस्टर्ड मेकिंग मशीन सीड से तेल निकालने का काम करती थी। ऐसी मशीन तो इंडिया में बहुत पहले से ही है, और वो बिना बिजली के चलती है। इसे कोल्हू कहते हैं, जिसे बैल चलाते हैं। यू मीन वो मशीन जिसमें बैल सर्कल्स में घूमता रहता है? हाँ, बेचारा एक ही कमरे में गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। सरसों सारी दुनिया का चक्कर लगा चुकी है। यूरोप के बाद 19th century में अमेरिकन्स को सरसों का स्वाद पसंद आया, और आज अमेरिका मस्टर्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अमेरिका में इंडिया से भी ज्यादा सरसों खाया जाता है क्या? हाँ, इंडिया के टोटल एडिबल ऑयल कंजम्पशन में मस्टर्ड का परसेंटेज 13% है। मस्टर्ड के बीज 3 कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। इंडिया में ब्राउन कलर के बीज का मस्टर्ड खाया जाता है। इस ब्राउन सीड का ओरिजिन अपर हिमालयाज में हुआ था, और फिर धीरे धीरे ये इंडिया के कई और हिस्सों में उगने लगा। इंडिया में हर साल तकरीबन 60 लाख टन सरसों का उत्पादन होता है। इसके अलावा इंडिया ऑयल केक का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। चॉकलेट केक का तो नाम सुना था, ये ऑयल का केक क्या बला है? सरसों के बीज से तेल निकालने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, उसे ऑयल केक कहते हैं। इंडिया हर साल 4 लाख टन से ज्यादा ऑयल केक एक्सपोर्ट करता है।
मतलब सरसों का प्लांट तो असली मनी प्लांट है। सरसों का साग सरसों की पत्तियों से बनता है। सरसों के बीज से तेल निकलता है जो पकाने के अलावा दवाओं में भी काम आता है। एक यूज बताना तो तुम भूल ही गईं। सरसों के खेत रोमांटिक गाने शूट करने के काम आते हैं। ओफो, इंडिया और डेनमार्क में माना जाता है कि सरसों का तेल घर के दरवाजों के दोनों ओर रख दिया जाए तो घर में इविल स्पिरिट्स एंटर नहीं होती। सरसों हमें भूतों से भी प्रिजर्व करती है। सरसों बहुत अच्छी प्रिजर्वेटिव है। जो आम, नींबू, मिर्ची, मूली और गोभी के अचार तुम खाते हो, उनके प्रिजर्वेशन में सरसों का भी बहुत बड़ा रोल है। तब तो सरसों वाकई में बहुत जरूरी है। इंडिया की बात करें तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और मैदानी इलाकों में ज्यादातर सरसों का तेल खाया जाता है। सरसों को तमिल और मलयालम में काडगु, तेलुगु में अवलू और मराठी में मोहरी कहा जाता है। सरसों के तेल से अचार बन सकता है, ये खोज सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुई थी। ये आम का अचार किस सदी में पहली बार पड़ा ये तो पता नहीं, मगर अचार के मसाले जरूर रोमन्स को भेजे जाते थे। वैसे हम इंडियंस साल भर में कितनी सरसों खा जाते हैं? सिर्फ खाते ही नहीं है, सरसों के तेल से बच्चों की मालिश होती है, दीपावली की रात दिए जलाए जाते हैं। इंडिया में हर साल तकरीबन 1,70,00,000 टन सरसों का तेल बनता है। हिंदी फिल्मों में सरसों का खेत मतलब होता है पंजाब के गांव, मगर रियलिटी में देखें तो सरसों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहां इंडिया के कुल प्रोडक्शन का 50% सरसों पैदा होता है। और सरसों की ट्रेडिंग? ट्रेडिंग की बात की जाए तो जयपुर, अलवर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और इंदौर समेत भारत के 15 बड़े शहर सरसों के ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। और जब कंजम्पशन की बात आती है तो फिर वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार में भी काफी सरसों इस्तेमाल होती है। सरसों के तेल के साथ और भी कई एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। पिछले 3-4 दशकों में सरसों के रिफाइंड तेल ने भी मार्केट में जगह बनाना शुरू कर दिया है। सरसों के बारे में इतना रिफाइंड ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। अब मैं चला सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।